आईआईआरएसआई की एनुअल कॉन्फ्रेंस में आज हमारे बीच में देश के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ जिन्होंने नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, नई टेक्नोलॉजी अपनाई, जिसके कारण भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर हम जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आंख, उस आंख को सुरक्षित रखते हुए और जिनकी आंखें किसी कारण से बीमार हो गई या खराब हो गई है, उसके लिए आपने एक नया इनोवेशन किया, नया रिसर्च की, नई टेक्नोलॉजी अपनाई और दुनिया में भारत की ताकत को दिखाई। मैं इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस में पधारे सभी डॉक्टर्स का, अन्य देशों के आए डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर केकेआर मेहता, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर जगत राम जी, डॉक्टर अमर अग्रवाल जी, डॉक्टर महिपाल सचदेव जी, डॉक्टर रागनी पारेख जी, डॉक्टर हरवंश लाल जी, डॉक्टर टीपी लवाने, डॉक्टर मोहन राजन जी और सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस संस्था में अपना योगदान देकर चार दशक से भी ज्यादा तक आपस में चर्चा, संवाद, नई टेक्नोलॉजी, अनुभव, अपने अपने रिसर्च को साझा करने का काम किया। दुनिया में जब लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, तो हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हम भारत को लोकतंत्र की जननी इसलिए कहते हैं कि वैदिक काल से अब कितना भी समय गुजर गया हो, हमने देखा कि भारत की परंपराओं में, भारत की विचार में, भारत के कार्यों में हमेशा लोकतंत्र रहा है और इसीलिए लोकतंत्र एक ऐसी ताकत है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, अनुभवों का आदान प्रदान होता है, नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, नए इनोवेशन का आदान प्रदान होता है और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे एक नई दिशा बनती है। ये कॉन्फ्रेंस करने का भी हमारा उद्देश्य सही है कि देश और विदेश से आए सभी डॉक्टर एक जगह बैठकर अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार, नई टेक्नोलॉजी, नए रिसर्च, नए वैज्ञानिक अनुभव को साझा करते हैं और उससे सीखते हैं और फिर उसको रिसर्च करकर नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की जनता और समाज के कल्याण के लिए योगदान देते हैं। इसीलिए मैं आप सबको विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि यहां पर जितने भी नेत्र विशेषज्ञ आए हैं, जितने भी शोधकर्ता आए हैं, जितने भी ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए आए हैं, उन्होंने बहुत मानव पुण्य और बहुत बड़ी सेवा का काम किया है। हम राजनीति सामाजिक सेवा में काम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपने कितने बड़े पुण्य का काम किया, कितना बड़ी मानवीय सेवा का काम किया कि दूर दराज के गांव में बैठा व्यक्ति अगर आप लोग उसके गांव तक, ढाणी तक, उसके घर तक पहुंचकर उसको जागरूक नहीं करते, उसको अपने आंखों के बारे में जानकारी नहीं देते, तो शायद वो अज्ञानतावश
जब उसकी आंखें की रोशनी चली जाती जब वो डॉक्टर्स के पास आता। लेकिन आपने दूर दराज के गांव के अंदर जाकर कैंप करकर लोगों की जानकारी देकर और उनकी आंखों की रोशनी बचाने का पुण्य काम किया। मुझे खुशी है कि आपकी संस्था ने 4 दशक तक एक नए इनोवेशन, नए रिसर्च और नई विज्ञान टेक्नोलॉजी का जो कार्य किया और उसके प्रयास के परिणाम अभी आने लगे हैं। क्योंकि मैं घर पर डॉक्टर महिपाल सचदेवा जी आने के पहले मेरी दोनों बेटियों के भी चश्मा उतरा था, तो मैं घर पे चर्चा करता था इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो इसके क्या परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होंगे। कई सारी शंकाएं मेरे मन में थी, लेकिन मेरी पत्नी डॉक्टर थी, उन्होंने शंकाएं करने की आवश्यकता नहीं है, इसके पुराने रिजल्ट बहुत बेहतर रहे हैं और अभी भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब डॉक्टर सचदेवा जी मुझे मिले तो मेरी बहुत लंबी उनसे चर्चा हुई और मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं दूर दराज के गांव में जाता था तो मैं देखता था कि अजान व्यक्ति आंखों की चिंता नहीं करता, दांतों की चिंता नहीं करता था, वो सोचता कि ये हमारी रोशनी कभी जा ही नहीं सकती, हमारी आंखें खराब ही नहीं हो सकती। कभी कम दिखने लग जाता तो कहता था कम दिखता है, कभी पास का कम दिखता है, दूर का कम दिखता है। मुझे याद है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने बहुत पड़ाव, बहुत तकलीफें, बहुत कठिन, बहुत चुनौतियां झेली हैं। अब व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा है, कुछ गांव का व्यक्ति भी समझने लगा है कि मेरी आंखों की रोशनी चलने जाए तो मोतियाबिंद में समझने लगा है, तो डॉक्टर के पास जाने लगा है। लेकिन मेरे पास कई ऐसे एग्जाम हैं जब इसी तरीके से जो आपका नेत्र डे होता है उस समय एक डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर ने साहब ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया। मैंने सामान्य रूप से सब लोगों से चर्चा कर रहा था तो एक बुजुर्ग, मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे आंखों से कम दिखने लगा था तो मेरा बेटा डॉक्टर है। तो मैंने उससे कहा बेटा जरा आ जाओ मुझे डॉक्टर के पास दिखाओ। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको हम 15 दिन बाद आते तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती। आप बताओ जिसका बेटा डॉक्टर उसके बाद भी कितना पुराना उसका मोतियाबिंद होगा, कितने सालों से होगा। लेकिन आंखों के बारे में मेरा अनुभव रहता है जब तक आदमी को दिखना बंद नहीं हो जाए जब तक वह समय निकालने की कोशिश करता है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छे प्रयास किए, मुझे कई डॉक्टरों का अनुभव है जिन्होंने दूर दराज के इलाके के अंदर जाकर वहां पर कैंप किए, आंखों के बारे में जानकारी दी और वहां पर ऑपरेशन करने के लिए लेकर आए और उनका फिर ऑपरेशन करके उनको घर भिजवाया। कितनी संस्थाएं, सोसाइटी, क्लब है जिन्होंने दूर दराज के गांव में जाकर इसी तरीके से आपसे मिलकर और समाज की सोसाइटियों ने मिलकर लोगों की रोशनी देने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मुझे पता है कि आपकी टेक्नोलॉजी नई है और नई टेक्नोलॉजी में आपने जो नए रिसर्च किए, नए इनोवेशन किए हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मुझे डॉक्टर अमर अग्रवाल बता रहे थे कि हमने जो रिसर्च इनोवेशन किए वो भारत में किए और दुनिया उसको अपना रही है, ये भारत की ताकत नजर आती है। दुनिया से पहले हम टेक्नोलॉजी लेते थे, इनोवेशन, रिसर्च, विज्ञान, सब दुनिया के विकसित देशों से हम सोचते थे कि विकसित देश ही दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी कर सकता है, नया इनोवेशन कर सकता है, नया रिसर्च कर सकता है। लेकिन भारत का डॉक्टर भी नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए टेक्निक, क्योंकि संसाधन कम होने के बाद भी उसने साबित किया है। ऐसे तो दुनिया के अंदर कई बड़े देशों के अंदर
हर क्षेत्र के अंदर भारत के डॉक्टर नेतृत्व करते हैं, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन के रूप में भी एक नए कीर्तिमान हमने हासिल किए हैं। मोतियाबिंद के अलावा मायोपिया ऐसी कई सारी जो बीमारियां थी वो हम सबके लिए चिंता के विषय थी, और जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है और उस लाइफस्टाइल के कारण दुनिया के अन्य देशों, भारत के अन्य देशों का तुलना करें तो अगर हमारी लाइफस्टाइल इसी तरीके से चलती रही तो मुझे याद है मेरे दो भतीजे हैं जो 3-4 साल का, 5 साल का उसका चश्मा लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अनुभव है कि मैं कई बच्चों को देखता हूं 3 साल के 4 साल के 5 साल के बच्चों के चश्मा लग जाता है, वो चश्मा भी बड़े हाई नंबर का। और जो आपने आंकड़े दिए, अगर हमने बच्चों के अंदर एजुकेशन का इतना प्रेशर दबाव रखा, आजकल मुझे माँ मिलती है तो 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजने का प्रयास करती है, 2.5 साल, और 3 साल होने के बाद तो माँ चिंतित हो जाती है, 3 साल का हो गया अभी तक स्कूल नहीं गया, और माँ बाप बहुत खुश होते हैं जब वो 3 साल का 2.5 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है तो हमें कहते देखो हमारा 2.5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है। मैं कहता हूं कि कुछ टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए वक्त के साथ साथ होना चाहिए, समय के पहले कुछ होगा तो हमारे पुराने वेदी विज्ञान ने कई चीजें बताई कि कौन सा समय किस उम्र के लिए उपयुक्त है वो विचार करने की आवश्यकता है। और जितने माँ बाप मिलते हैं सब माँ बाप उनको मोबाइल देकर बहुत खुश होते हैं, देखो हमारा बेटा 2.5 साल का कंप्यूटर सीख गया है, मोबाइल में गेम चलाना सीख गया है। अब वो गेम चलाना सीखेगा तो उसके 2.5 साल में चश्मा ही लगना और कोई विक्रम नहीं, 5 साल में लग जाना है, 6 साल में लग जाना है। एक मुझे बहुत बड़े नेता मिले, मैंने कहा कि आप बहुत काम करते हो। हाँ साहब मैं बहुत काम करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? मोबाइल पे मैं इतना काम करता हूं। नहीं, मैंने कहा मोबाइल का टाइम कितना यूज करते हो? तो बड़े गर्व से बोले पार्लियामेंट में कि साहब मेरे मोबाइल का टाइम देखो, मेरे मोबाइल का टाइम है ना 14-15 घंटे। मैंने बहुत बढ़िया है। मैंने कहा और सब ठीक चला? अजी साहब आंख में गड़बड़ होगी तो अमेरिका के लिए इलाज कराने जा रहा हूं, अब 15 घंटे मोबाइल पे काम करेंगे तो अमेरिका क्या दुनिया में चलाए जाएंगे, वो इलाज तो ठीक हो नहीं सकता। मैंने कहा इसके आवर्स कम करने की कोशिश करो, जब जाकर आप ठीक होंगे, इसमें कोई गर्व नहीं कि आप 15 घंटे मोबाइल पे काम करते हो। ये सामान्य ज्ञान भी इतना ही मानवीय जीवन में आवश्यकता है। मैं दंग रह गया जब आपने आंकड़ा दिया है कि 60% बच्चों पर 3-4-5 साल के अंदर चश्मा लग जाता है, भारत के अंदर यह आंकड़ा 25% है, और हमने नए बच्चों में ऐसे ही कहा कि मेरा बेटा 2.5 साल में मोबाइल चलता है तो आंकड़ा 50-60 पर पहुंचना है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की हर बात, हर वाक्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उसकी जानकारी जो जानकारी के अभाव में है उनको ठीक से जानकारी कि आंखों की रोशनी के लिए आपको क्या क्या चीजें जानकारी रखना चाहिए, यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज को जागरूक करना, समाज को सही दिशा देना, आपके अनुभव विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। हमारे पास टेक्नोलॉजी का उपयोग हो लेकिन उस टेक्नोलॉजी का उपयोग के बेहतर करें, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो जो अपन ने बेहतर उपयोग किए उसकी जानकारी समाज को मिले, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके कॉन्फ्रेंस के जो अनुभव हैं, विचार हैं, जिससे समाज में एक व्यापक परिवर्तन आ सकता है, वह भी हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने कॉन्फ्रेंस किए, अपने विचारों का आदान प्रदान किया, बेस्ट किया, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता है कि अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई सारी सर्जरियां, कई सारी उत्कृष्ट कौशल ज्ञान के साथ हम नई चीजें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ मेरा अनुभव है कि भारत के अंदर
नेत्र विशेषज्ञों की सेवाएं जो विभिन्न दृष्टि से बेहतर होती जा रही है। हम नेत्र रोग प्रबंधन में, रेटिना के अंदर और कई अनुसंधानों में, रिसर्च में, लेजिक विजन सर्जरी के अंदर, ऐसी कई चीजों के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ समाज को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, या आंकड़े दुनिया को, देश को बताने की आवश्यकता है कि हम आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। और मैंने तो डॉक्टर साहब से ये कहा कि हमारा सपना तो ये होना चाहिए कि हमारे दिवाकर ने जब गाना गा रहा था तो उसकी आंखों की रोशनी थी, एक समय आना चाहिए भारत के अंदर हमारे डॉक्टर उसकी आंखों की रोशनी लाने के लिए काम करें, और जो जीवन में रोशनी चल गई उसके कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें ताकि ऐसे लोगों को भी की आंखों की रोशनी करके ये समाज को देख सकें। ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हर चुनौतियों का समाधान हमने निकाला है, आप लोगों ने निकाला है, और हर चुनौतियों का समाधान आप निकालेंगे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।